Okay, so next question is, so that the equation represents for the different value of lambda a system of circle passing through two fixed points A and B on the x-axis, and also find the equation of that circle of the system of the tangent to which at A and B meet on the line. This थोड़ी सी लैंग्वेज लंबी है इस क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन को रीड करें और समझे कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना. मतलब एक्चुअली मेरे पास पहले सिस्टम ऑफ सर्कल है, मेरे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स है. अब उसमें लैम्डा पैरामीटर है, लैम्डा चेंज होगा सर्कल चेंज होगा. तो वो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द सिस्टम ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट. मतलब वैल्यू जैसे जैसे लैम्डा का चेंज होगा, लेकिन वो ये जितने भी इन्फाइनाइट सर्कल है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये दो फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं ए और बी जो एक्स एक्सिस पे लाई करें. फर्स्ट पार्ट ये जो प्रूफ करना है. एंड देखो पहले चलो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. तो सबसे पहले जो सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के टू एक्स और माइनस के टू लैम्डा वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो. ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. अच्छा ये जो लैम्डा वाला पार्ट है ये अलग हो गया. ओके तो टू लैम्डा कहो या लैम्डा कहो वो तो चलो एक ही बात है. तो फिर ये एक सर्कल हो गया एस और ये एल एक लाइन हो गई है ना. तो ये किस टाइप के सर्कल हो गए? फैमिली ऑफ सर्कल में हम क्या पढ़ते हैं? एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो. अगर कोई ऐसा कोई सर्कल लिखा है तो ये तो इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ना. तो कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी पॉइंट पास हो रहे हैं, जितने भी सर्कल पास हो रहे हैं, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए. तो देखो वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करो, यहां पे क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो आया. ओके तो यहां से तो एक्स का वैल्यू एक माइनस टू आ रहा है और एक एक्स का वैल्यू आ रहा है फोर. तो इसका मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं? फोर कोमा जीरो एंड माइनस टू कोमा जीरो. ये वो दो पॉइंट है, ये वो दो पॉइंट है जिनसे ये सर्कल इन्फिनिट सर्कल पास हो रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा. ओके तो पहला पार्ट तो यही प्रूव करना था और ये दोनों पार्ट एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहे हैं. सेकेंड पार्ट में ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है और यहां पे एक पॉइंट लेट सपोज ये माइनस टू कोमा जीरो और ये फोर कोमा जीरो. इससे जितने भी इन्फाइनाइट सर्कल पास हो रहे हैं वो सब ये थे. अब इसमें से इस फैमिली का वो वाला सर्कल बताओ जिसके लिए ए, जैसे लेट सपोज ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है और मैंने ए पॉइंट पर टेंजेंट खींचा ऐसे है ना और ये बी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया. तो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेट सपोज ये एक्स वन वाई वन है तो ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस लाइन पे लाई कर रहे हैं? वो लाइन क्या? एक्स प्लस टू बाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. ओके तो फिर उस फैमिली का ये कौन सा साला सर्कल है ये पूछा जा रहा है. तो उसके लिए तो मुझे पर्टिकुलर वो लैम्डा चाहिए. देखो तो अब यहां से ये सोचो कि लेट्स सपोज ये एक्स वन बाई वन है तो ये जो ए बी है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया और ये तो एक्स एक्सिस भी है. इसकी इक्वेशन तो मुझे पता है कि वाई इज इक्वल टू जीरो है ना. बट इसकी इक्वेशन एज अ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कितना आएगा? देखो इक्वेशन ऑफ ए बी एज अ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट तो टी इज इक्वल टू जीरो होता है जैसे पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट लिखते. तो फिर कैसे आएगा? फिर तो टी इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन है ना और माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स वन और माइनस लेमडा वाई प्लस वाई वन एंड माइनस एट इज इक्वल टू जीरो. ओके अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम है, इक्वेशन तो सेम लाइन से तो सेम लाइन है तो फिर क्या होगा? तो यहां से कॉफिशियंट कंपेयर कर सकते हैं है ना. दोनों लाइन सेम लाइन रिप्रेजेंट हो रही है तो देखो यहां पे एक्स का जो कॉफिशियंट है वो क्या आएगा? एक्स वन माइनस वन और यहां पे कितना है? जीरो. यहां पे कितना आ रहा है? वाई का कॉफिशियंट कितना आ रहा है? वाई वन माइनस
लेमडा, ओके यहां पे वन है, ओके यहां पे देखो कितना आ रहा है, ये माइनस ऑफ एक्स वन माइनस ऑफ लेमडा बाई वन और माइनस ऑफ एट, मतलब एक्स वन प्लस लेमडा बाई वन प्लस एट अपॉन जीरो, ओके। अब यहां से देखो एक्स वन का वैल्यू तो सीधे सीधे है, देखो यहां पे वन आएगा, यहां पे सीधे सीधे जीरो आएगा, तो फर्स्ट दो रिलेशन से एक्स वन आ गया वन, ओके। और वाई वन देखो वाई वन कितना आएगा, वाई वन का वैल्यू निकालो, इन दोनों से देखो कितना आ रहा है, ये जीरो होगा है ना, एक्स वन का वैल्यू वन आ चुका है तो ये नाइन हो जाएगा, तो माइनस के नाइन बाई लेमडा आएगा, ओके। अब ये जो एक्स वन वाई वन है ये तो एक्चुअली इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट को यहां रखो, ओके। तो वन माइनस एटीन बाई लेमडा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो है ना, तो यहां से जो लेमडा आएगा वो आएगा थ्री। अब इस पर्टिकुलर लेमडा के लिए जो सर्कल आएगा है ना, वो वही सर्कल है जिसकी ये बात कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज लेंदी है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें उसके बाद क्वेश्चन को कर सकते हो, ओके। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सर्कल एंड क्वेश्चन इज इफ रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कॉमा माइनस वन एंड टचिंग द सर्कल आर आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली देन फाइंड आर वन प्लस आर टू, ओके। एक्चुअली क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है पहले है ना, और एक पॉइंट है वन कॉमा माइनस वन है ना, तो सबसे पहले इस पॉइंट की पोजिशन थोड़ा सा सोचो कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, या सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट एक्चुअली बाहर है, एक मिनट, सर्कल के अंदर है सॉरी, वन कॉमा माइनस वन को यहां रखो देखो कितना आएगा, वन माइनस वन ये टू होगा तो टू से टू कैंसिल होगा फाइनली, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, तो ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है। अब इस पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, इन्फाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, तो वो स्मॉलेस्ट सर्कल जो इसको टच कर रहा है गिविन सर्कल है ना, तो इस पॉइंट से पास होने वाला जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा जो गिविन सर्कल को टच करेगा, तो वो समझ में आना चाहिए कि वो टचिंग पॉइंट एंड ये वन माइनस वन ये डायमीटर के अलोंग होगा, और इसी पॉइंट से पास होने वाला वो वाला सर्कल जो गिविन सर्कल को टच करेगा वो लार्जेस्ट होगा है ना, तो वो ये वाला लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। इसके लिए ये वाला डायमीटर हो जाएगा, ये लेट सपोज ए दिस इज द बी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सी, ओके। बी पॉइंट जो है वो है वन कॉमा माइनस वन, ओके। अब ये वाला जो सर्कल है ये मतलब वन कॉमा माइनस वन से जो सर्कल पास हो रहा है जो लार्जेस्ट है जो टच कर रहा है उस सर्कल को गिवन सर्कल को, और ये स्मॉलेस्ट है जो सर्कल को टच कर रहा है, तो अब देखो ये डायमीटर हो जाएगा है ना ए बी उस लार्जेस्ट सर्कल के लिए जो उसको टच कर रहा है, और बी सी डायमीटर हो जाएगा उस स्मॉलेस्ट सर्कल का जो उसको टच कर रहा है, तो फाइनली इसको देख के समझ में आता है कि देखो ये ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज व्हाट डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, ए बी इज व्हाट डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द गिवन सर्कल विच रेडियस इज आर वन, तो दिस इज द टू आर वन एंड बी सी इज टू आर टू एंड दिस इज टू आर एंड एट आर इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल है ना, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ओके। सो देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, रेडियस इज टू तो आर इज टू, ओके। तो यहां से आर वन प्लस आर टू कितना आ जाएगा, टू, देखो आर वन प्लस आर टू कितना आएगा, तो देखो जो गिवन सर्कल का रेडियस है
और वो आर इजिकल टू टू है, तो यहां से आर वन प्लस आर टू टू टाइम्स इजिकल टू टू इंटू टू, तो फाइनली आर वन प्लस आर टू कितना आएगा? ओके okay.